सुन सुन के हमारी खास पेशकश इतने वोलेटाइल मार्केट के अंदर, जहां सुबह हरा निशान, रात में लाल निशान, शाम तक होते होते, ऐसे में शेयरों को चुनना बहुत ही मुश्किल का विषय होता है। और इस बीच तेज गिरावट और गहरा गई है, 23873 का लो बना दिया है निफ्टी ने, 336 अंकों की गिरावट इस समय अब देखने को मिल रही है, 23938 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, क्या किया जाए इस बाजार के अंदर? पहले तो आज का चुन चुन के जानने से पहले, ये क्या आपको लग रहा है, क्या ये कैरी फॉरवर्ड होगी गिरावट? ये तो तेज गिरावट और बढ़ती जा रही है। विपुल जी, आज कैपिटल जो कहते हैं सभी नेगेटिव्स एक साथ एक्सपायरी के दिन आया, तो एक्सपायरी के दिन को मैं एक एक्सेप्शन जरूर मानूंगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन यूजुअली बड़े मूव्स के लिए जाना जाता है और ये ऐसी एक्सपायरी है जहाँ पे मार्जिन सब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो एक्सपायरी में काफी एडजस्टमेंट्स भी होंगे और मार्जिन की वजह से आप कह सकते हैं ऑलरेडी जो ट्रेंड मार्केट में रहा है वो ट्रेंड की वजह से भी एक्सपायरी हो सकता है, नीचे की तरफ हो रही है, तो एक एक्सेप्शन मैं आज के लिए जरूर दूंगा निफ्टी को। निफ्टी के लिए मैं अभी कोई बेरिश ट्रेंड मान के नहीं चल रहा और आज की क्लोजिंग भी जरूर देखने को मिल कहाँ देखने को होगी ये देखना पड़ेगा, पर आज के लिए मैं एक एक्सेप्शन या बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दूंगा। कल एक ट्रेंड क्लियरली क्लियर हो जाएगा, इवन FIIs के फिगर्स भी आज आपको काफी बड़े आएंगे क्योंकि कैश फ्यूचर आर्बिट्राज के भी नंबर्स आज आते हुए नजर आएंगे, तो कल मुझे लग रहा है क्लियर ट्रेंड देखने को मिलेगा, तो आज एक दिन एक्सेप्शन के लिए छोड़ के चल सकते हैं। ठीक है सर, आज का दिन एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर छोड़ देते हैं, लेकिन अभी अगर कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदा जाए सर इस गिरते बाजार में? विपुल जी, दो स्टॉक है, दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी को मान सकते हैं या फिर ग्रोथ स्टोरी के लिए दोनों स्टॉक काफी अच्छे हैं। पहला स्टॉक होगा वाबाग, वाटेक वाबाग, ये मुझे लग रहा है स्टॉक काफी बेहतरीन है, टेक्निकली भी अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है, 1730 1735 के बीच में खरीदें और 1700 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1805 का टारगेट रखें। अगेन विपुल जी, स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी है, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ऐसे मार्केट में काफी मुश्किल हो सकती है। सेकेंडली कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये स्टॉक भी काफी गिर चुका है और अपने सपोर्ट के आसपास है, तो एक कॉन्ट्राबैक कॉन्कॉर में लेना चाहिए, 820 के बीच में बाय करें, 789 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, छोटा स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, 872 से 880 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। प्योरली 3 से 4 दिन का कॉल है, 3 से 4 दिन में अगर टारगेट स्टॉप लॉस दोनों भी नहीं आते तो अपनी पोजीशन से निकलना है, लॉन्ग टर्म वाले बेट्स के लिए ये दोनों स्टॉक नहीं है, प्योरली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए दोनों स्टॉक को चुना है। ठीक है सर, तो ये दो शेयर हैं जो कि आपको जो है इस गिरते बाजार में भी मुनाफा देते हुए दिखाई देंगे। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप खरीदारी करके चलें, 820 के आसपास खरीदना है आपको, नीचे की तरफ 789 का एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है, उसे बड़ी ही मजबूती के साथ फॉलो करना है आपको, और लक्ष्य जो है वो यहाँ से करीब 50-52 रुपये ऊपर का, 872 के लक्ष्य के साथ कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खरीदने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा अगली कंपनी जो है वो है वाटेक वाबाग, 1730 के आसपास खरीदिए, 1700 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा आपको, और ऊपर की तरफ जो है 1805 तक के लेवल देखने को मिल रहे हैं। बाज़ार के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, उतार चढ़ाव काफ़ी तेज़ है, बाज़ार तेज़ी से नीचे जा रहा है, ऐसे में स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखें, यही वो स्टॉप लॉस होता है जो कि आपकी पूंजी को जो है वो बचाने का काम करता है, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस भी अरुण मंत्री जी की तरफ से ही दिए गए हैं, अगर आप उनका लक्ष्य ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस को भी अवश्य ध्यान में रखें। अरुण सर, आज की चर्चा में आप जुड़े, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर? विपुल जी, अगेन थैंक यू। सेकेंडली डिस्क्लोजर यही है, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए सेम व्यू सभी के साथ डिस्कस किया है, और जो भी चुन चुन के सेगमेंट के स्टॉक है, शॉर्ट टर्म वाले स्टॉक्स है, स्टॉप लॉस टारगेट का अगेन मैं कहता हूँ ध्यान रखें, दोनों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टॉप लॉस टारगेट हमेशा रखना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग के लिए बाई कर रहे हैं। थर्डली, थोड़े बहुत स्टॉक्स ऐसे बीच में आए थे जो हमने पिछले 3 या 4 दिन में रिकमेंड किए, तो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में वो जरूर हो सकते हैं, पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।